हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेकी मिथ्स। आज की वीडियो में मैं आपको एक सर्किट दिखाने वाला हूँ जो कि है बेस टेबल बोर्ड का, और इसको मैंने रिकंस्ट्रक्ट किया है, मतलब रिक्रिएट किया है, क्योंकि इसके ट्रैक्स एक्चुअल सर्किट में आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप घर पे इसको बनाते हैं DIY मेथड से, तो इस पे आपको ग्रीन मास्किंग आप कर नहीं पाते, और इस वजह से आप इसको टेनिंग प्रोसेस कर देते हैं, यानी पूरे ट्रैक पे आप इसकी शोल्डर जो होती है उसके थ्रू आप इसको पूरा कवर कर देते हैं ताकि इसमें ऑक्सीडेशन ना हो। तो टिनिंग प्रोसेस करने के समय हमारी ट्रैक्स जो है कभी कभी ज़्यादा हीट मिल जाने के कारण डैमेज भी हो जाती है, क्योंकि वो कॉपर बोर्ड से अलग हो जाती है। तो इस वजह से, क्योंकि ये पतली होती है ट्रैक, इस वजह से अगर ज़्यादा हीट दे देने से तो वो डैमेज हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए ये सर्किट डिज़ाइन किया है, जो कि है वही सेम सर्किट है, और इसको मैंने रिकंस्ट्रक्ट किया है, मतलब रिक्रिएट किया है। ये देख सकते हैं, इसमें ट्रैक्स काफ़ी अच्छे रखे हैं मैंने, और सारे ट्रैक्स आपको अच्छे मिलेंगे, बस साइज़ में थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा का अंतर है। और इसकी जो ब्लैक पेज पे आप देख सकते हैं, इस तरह से इसकी व्यू आ रही है। ये ड्यूअल सप्लाई पे है, इसमें रेगुलेटर लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको 12012 देनी होगी, और ड्यूअल 4558 का IC का यूज़ किया गया है। इसका 3D भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपने सर्किट देख लिया, और इसका 3D व्यू मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये है इसका 3D व्यू, जो कि मैं जो सर्किट बनाता हूँ वो डायरेक्ट, मतलब बोल सकते हैं DI होती है, DI मतलब डायरेक्ट इंजेक्शन होती है, और मैं सिमेटिक को फॉलो करके भी बना सकता हूँ। तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन मैं सिमेटिक फॉलो नहीं करता, स्कीमेटिक फॉलो नहीं करता, मैं सीधा इसका DI मेथड से बना देता हूँ। तो ये सर्किट आपको थोड़ी सी बस ज़रा सी आपको बड़ी लग सकती है। ये इसकी पेज है A4 पेपर पे, इतनी साइज़ में आपको सर्किट ये देखने को मिलेगी, और ये एक्चुअल से जो सर्किट है ये आपको इतनी पेपर में आपको इतनी साइज़ की देखने को मिलेगी। तो आप साइज़ पे थोड़ी सी आपको कंप्रोमाइज़ करनी होगी। तो इसकी टेस्टिंग के बाद मैं आपको इसकी रबर फाइल भी साथ में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप अगर इसकी PCB बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। ऑनलाइन जो भी वेबसाइट PCB बना के देती है, उसके थ्रू आप PCB बनवा सकते हैं, और इसको आप घर पे भी बना सकते हैं। तो मैं PDF के साथ साथ रबर फाइल भी अपलोड कर दूंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।